माफिया सरगना मुख्तार अंसारी की हरकत कल्ब बंद होने की वजह से मौत वाक़े हो गई। मुख्तार अंसारी को कए की शिकायत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल किया गया था, जहां उसकी हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक थी, इसलिए उसे इंतहाई निगहदाश्त वाले कमरे में रखा गया था। लेकिन वो 9 डॉक्टरों के ज़ेर निगरानी थे और उसके बावजूद इलाज में जो है मामला चल रहे थे, मुआलजा चल रहा था, उसके दौरान मुख्तार अंसारी की जो है मौत वाक़े हो गई है। आज जो है बाज़ाब्ता तौर पर रात 8:30 बजे मुख्तार अंसारी की मौत वाक़े हुई है, इसकी तस्दीक अस्पताल इंतज़ामिया ने कर दी है। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया है। उसके घर के पास से लेकर तमाम अज़ला में जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी पर 65 से ज़ायद जराइम के मामला दर्ज है। उस पर इकदाम कत्ल, कत्ल हफ्ता वसूली और रंगदारी जैसे कई ऐसे संगीन मामला जो है ज़ेर समात थे और कई मामलात में मुख्तार अंसारी को सज़ा भी हुई है। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी के घर वालों का इल्ज़ाम है कि उसे जो है जेल इंतज़ामिया ने जहर दे दिया, जिसके बाद जो है उसकी हालत ख़राब हुई और उसे अस्पताल में दाखिल किया गया। उसके बेटे उमर अंसारी ने यह इल्ज़ाम लगाया कि उसे उसके बाप से जो है मिलने तक नहीं दिया गया और ना ही मुलाकात के लिए जो है वक्त दिया गया। उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मुख्तार अंसारी की तबीयत ख़राब थी और जेल इंतज़ामिया से उन्हें परमिशन हासिल थी, 2 लोगों को परमिशन हासिल थी, उसके बाद जो बाद भी जो है मुख्तार अंसारी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी जो है यूपी का दबंग डॉन था और उसने जो है कई ऐसे जराइम किए थे और वो सियासत में भी सरगर्म था। बता दें आपको कि इससे कबल यूपी के कई डॉन जो है बाज़ाब्ता तौर पर या तो एनकाउंटर में हलाक कर दिए गए या तो जेल में उनकी मौत वाक़े हो गई। एक मिसाल हम आपको ये पेश करते हैं कि इसी कोविड के दौरान जो है साहबुद्दीन जो है डॉन थे बिहार के और रुकन पार्लियामेंट भी थे, उनकी भी मौत एम्स अस्पताल में हुई और उन्हें जो है दिल्ली में मदफून किया गया है। इसके साथ ही अतीक अहमद और अशरफ की जो है एक एनकाउंटर में जो है मौत वाक़े हो गई, 2 गुंडों ने उन्हें जो है गोली मार दी थी। बता दें आपको कि यूपी में ये 3रे डॉन हैं जिनकी मौत वाक़े हुई है। अब जो है यूपी में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है और अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी के मेडिकल बुलेटिन में ये बताया गया है कि 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज करवाया और बाज़ाब्ता तौर पर उनके हर तरह से सेहत का ख्याल रखा गया, लेकिन उन्हें कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत वाक़े हुई है। जहां का इंसाफ की खास रिपोर्ट।